तो भाई ये एक और सोलो कॉन्करर पुश गेम प्ले है, छोटा सा होने वाला है लेकिन भाई एंड में आपको जो देखने को मिलेगा ना सही बोले कि भाई ऐसा भी होता है कॉन्करर लॉबी में। इसमें आपको देख के पता लग जाएगा कि भाई बिल्कुल एग्रेसिव होना पड़ता है कभी ना कभी ऐसे लॉबी में। तो ऊपर आराम से लूट मिल जाता है इसलिए मैं ऊपर उतरता हूँ, मैं कि लूट के आराम से बाद में नीचे उतरूँ। तो भाई नीचे जब आता हूँ तो भाई मेरे को नोवो में फेंकता है और मैं नोवो नहीं जाता, आगे उतरता हूँ मैं जहाँ पे गराज है कि गाड़ी लेके जा सकूँ। गराज में गाड़ी नहीं होती, सामने गाड़ी है तो मैं सोचता हूँ पहले गाड़ी सेव कर लूँ। तभी भाई ब्रिज से एक गाड़ी आता है, भाई अंधा डैमेज दे दिया है। तो बंदे को करता हूँ मैं पुश, भाई ये था तीसरा किल। बाकी जो दो किल पहले थे वो भाई बोट के थे, बोट को मारा। अब आपको मैं क्या ही दिखाऊँ बोट को मारते हुए। तो स्मोक करके अपना कूप उठाता हूँ, भाई सामने एक और बगी वाला आया है। भाई वो ब्रिज से सब लोग इस तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भाई जोन इस तरफ का है, मतलब मिलिट्री आइलैंड के ऊपर बना है जोन। तो मैं एंगल बनाता हूँ कि भाई इसको मार सकूँ, बट वो बगी वाला भाई निकल जाता है आगे। तो उसका बगी मैंने फोड़ दिया, तो मुझे लगता है भाई पेट्रोल पंप के पास रुकेगा वो बंदा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कि वो जब आए ओपन में तो मार सकूँ मैं, बट वो बंदा तो नहीं आता। बट सामने टावर मतलब टावर बोल रहा है, पहाड़ है ना, पहाड़ के ऊपर टावर, भाई वहाँ पे एक बंदा मस्त मेरे ऊपर TPP ले रहा है। और भाई उस बंदे पे होता है ओम, एक बॉडी शॉट दिया भाई, HP देखो मेरी। तो मैं सोचता हूँ भाई इस पर पीक लेना बिल्कुल ही वेस्ट है। इस बंदे ने भाई दोनों टायर फोड़ दिया मेरा, मतलब जोन में जाने के लिए गाड़ी नहीं थी, बट सामने बग्गी मिल गया तो लेके मैं जोन में चले जाता हूँ। और भाई अच्छी तरह से एक घर देखने के बाद मस्त इसी घर पे रुकता हूँ मैं जोन में। और सामने पहाड़े बंदा है, एक US आता है यहाँ पे। और भाई इतने क्लोज रेंज में 4X कोई काम का नहीं होता, रेड डोर से मस्त गिरा देता है इस बंदे को। बट भाई M4 को मैंने लॉन्ग रेंज के लिए रखा हुआ था इसलिए 4X लगा हुआ था उस पर। एक और बग्गी वाला आता है, अभी भी मैं जोन के अंदर हूँ मैं, तो ये बंदा जोन में आ रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भाई मेरे को हील करना चाहिए जल्दी से जल्दी, बट यहाँ पे मैं नेट भरता हूँ, यही मेरी कुछ भाई जो गलती है इसको सुधारना है मेरे को। भाई मुझे लगा कि बंदा अभी भी वहाँ पे होगा, बट वहाँ पे नहीं होता, वो बग्गी लेके निकल चुका है और वो सामने कहीं पे रुका है। अभी अभी उस बंदे का हरा धुआं निकला है, जो M24 चलाना बिल्कुल पे उसी बंदे ने मारा उसको। तो यहाँ पे मैं अगले जोन में जाता हूँ, जोन भी स्टार्ट हो चुका है और सामने इस पत्थर पे रोकता हूँ मैं बग्गी को ठीक से लगाता हूँ कि भाई लेफ्ट और राइट दोनों से कवर मिल सके। बट भाई पीछे से पड़ता है मेरे को, तो शील्ड लगाता हूँ मैं यहाँ पे। तो भाई बिल्कुल ही जिगल देकर इतना लंबा स्प्रे मार रहा था क्योंकि भाई उस बंदे पे था M24, एक हेडशॉट मैं लॉबी में चले जाता। अभी बचे हैं सिर्फ तीन बंदे, एक तो बिल्कुल लेफ्ट में है दिख चुका इस एक शील्ड के पीछे, तो दोनों बंदे भाई जोन के अंदर है ऑलमोस्ट, मैं ही जोन के बाहर हूँ मैं। तो मैं उन दोनों का भाई, वो बंदा स्मोक करके जा रहा है तो उस बंदे का उधर पे नज़र होगा, उसको नेट से फोड़ता है, तो मैं जोन में निकल लेता हूँ यहाँ पे इसी मौके को देख के। अभी भी मैं जोन में नहीं हूँ, ये शैक होता है जोन में, तो शैक ले लेता हूँ मैं। शैक के बाहर रहूँगा तो भाई नेट मौली से फोड़ सकता है मेरे को, तो मैं अंदर घुस जाता हूँ। अंदर फोड़ने के लिए भाई इस छेद से उसको या तो नेट डालना पड़ेगा तो मौली, जो बहुत ही मुश्किल है। तो जोन स्टार्ट होने को है, जो भी नेट मौली होता है मैं फेंक देता हूँ क्योंकि अब भाई एग्रेसिव होना ही पड़ेगा, ADS बिल्कुल रिफ्लेक्स पे जाना पड़ेगा मेरे को इस बंदे के ऊपर, कि भाई जोन उसके ऊपर है मेरे ऊपर नहीं है, 32 मीटर दूर है, तो फुल बूस्ट होता हूँ मैं।
ये था गाइस मस्त रिफ्लेक्स पे लपेटता हूँ और चिकन डिनर निकालता हूँ मैं 5 किल के साथ। मज़ा गया भाई खेल के ये चिकन डिनर लेके, लास्ट किल से मारा है क्या ही बताऊँ। तो भाई अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक ठोक दो ये 5 किल सोलो कॉन्करर पुश लॉबी चिकन डिनर के लिए। और ऐसे ही भाई गेम प्ले देखने के लिए चैनल पे बने रहने के लिए भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपन इस सीज़न पुश कर रहे हैं भाई सोलो कॉन्करर मैचेस। देखिए भाई आप सोलो में भाई मतलब कुछ भी कर सकते हो, कोई भी टूर्नामेंट, सोलो बोनस चैलेंज, कुछ भी। To clear.